महिला महीने के दौरान जो कांवड़ चलती है और उसके अतिरिक्त जो यहाँ श्रावण जुड़ा मेला आयोजन अयोध्या में होता है, इस संबंध में जो अंतर्विभागीय समन्वय के लिए सचिव महोदय और मैं स्वयं लोग लखनऊ से आए हैं, यहाँ उपस्थित अधिकारियों के अतिरिक्त अनुमंडल और जोन के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। इस दौरान श्रद्धालुओं के आने जाने के रास्ते और उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ चर्चा हुई है। शासन के तरफ से यही प्रयास होगा कि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएं, इससे कि उन्हें कोई असुविधा न हो। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबस रहे, इसके निर्देश दिए गए हैं। पर्याप्त पुलिस बल प्रत्येक धार्मिक स्थलों पे लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो कांवड़ शिविर लगेंगे या जो रास्ते जिस रास्तों से श्रद्धालु आएंगे उनके रहने इत्यादि की जगह पे भी सुरक्षा व्यवस्था कराई जाएगी। अयोध्या जी में विशेष व्यवस्थाएं घाटों पे भी रहेंगी, यहाँ के प्रमुख मंदिरों पे भी रहेंगी, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ मेडिकल की सुविधा भी रहेगी। हम लोग अधिक से अधिक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि CCTV कवरेज कराएंगे, ड्रोन के साथ भी कराएंगे। हम लोग टीथर ड्रोन की भी को भी लेने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि इस बार टीथर ड्रोन के जरिए हम लाइव जो है इसके जो लीड्स जो हैं अपने कंट्रोल रूम में लें और वहाँ पे सभी विभाग के लोग तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में हम चीज़ों को तत्काल मुहैया कराएं। हम पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक जगह पे रिजर्व के रूप में रखेंगे। हमारे अन्य जो विभाग के जैसे ETS है, STF है, इनके लोग भी यहाँ आज मौजूद थे, उनके द्वारा भी अपना डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। जल मार्ग में किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना न हो, इसके लिए SDRF NDRF की टीम भी ली गई है। स्थानीय जो गोताखोर हैं और स्थानीय नाविकों का भी साथ लिया जाए। अयोध्या में कोई अपडेट हुआ है जिस तरह से बात की जाए तो अयोध्या समेत प्रमुख स्थल जो हैं उनकी सुरक्षा में कोई अपडेट किया गया? नहीं, अभी कोई इस तरह के स्पेसिफिक इनपुट नहीं है, लेकिन अयोध्या जिस तरह की नगरी है और जिस तरह से इसका विकास हो रहा है, इसकी सुरक्षा को लेकर लगातार हम लोग हाई अलर्ट पे रहते हैं और समय समय पे हमारी जो आकस्मिक ड्रिल है वो भी हम सर जब कांवड़ यात्रा हमले में सर अभी तक यूपी पुलिस को कितनी कामयाबी मिली है, क्या है हाथरस का जो मामला हुआ है? नहीं, इस संबंध में तो 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है, मुख्य आयोजक गिरफ्तार हो चुका है, वो उसके लिए एक अलग से SIT बनी हुई है, न्यायिक आयोग का गठन किया जा चुका है। अभी फिलहाल आप आज यहाँ पे जो अयोध्या के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा करें तो बेहतर श्रद्धालु अयोध्या भी आते हैं, अयोध्या में भी धार्मिक आयोजन होते हैं, जैसे हाथरस में घटना, इसके लिए कोई गाइडलाइन या ऐसा कोई नियम कानून ऐसा कुछ आप द्वारा? ये जो आयोजन होते हैं, जहाँ बड़े आयोजन होते हैं वहाँ बहुत सारी जिम्मेदारी जो आयोजक है उनपे भी होती है, क्योंकि जो भी परमिशन दी जाती है उसमें बहुत तरह के टर्म्स कंडीशंस होते हैं, उसके अनुपालन कराने की जिम्मेदारी आयोजकों की भी है और वहाँ जो व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की भी है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इस तरह का आयोजन यहाँ होना है। हाँ, जो लोग हमारे श्रद्धालु आएंगे वो उसको लेके किस तरह से क्राउड को कंट्रोल करना है, इसके बारे में भी एक यहाँ व्यापक चर्चा भी हुई है और यहाँ पे उस संबंध में पहले से भी आपने देखा होगा उससे बड़े बड़े आयोजन यहाँ हो रहे हैं और सभी चीजें सकुशल तरीके से संपन्न कराएंगे। सर कांवड़ की समीक्षा कर रहे थे और कांवड़ कभी कभी ऐसा देखने पड़ता है जो पोहर गाने बजते हैं, कुछ लोग शराब पी के उत्पाद भी बताते हैं। बीजा दिनों में बस्ती में घटना हुई थी, तमाम तरीके से बवाल हुए थे, गाड़ियां भी फूटी गई थी, तो इसके रोकथाम के लिए किस तरीके से आप लोग कदम उठाएंगे? जो भी असामाजिक तत्व अगर इसमें इस इतने धार्मिक आयोजन में घुस के गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे
उस पर सतर्क दृष्टि भी रहेगी और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए व्यापक प्रबंध पहले से ही किए जा रहे हैं। तीन कानून लागू जो किए गए हैं उस पर क्या असर पड़ा है? इस तरह से तीन कानून के बारे में आज 7 तारीख हो गया, 7 दिन से इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है और जो भी निर्देश वहाँ से आए हैं FIR वगैरह दर्ज हो रही है और हमने शासन के ने हमें फंड दिया है, जो तकनीकी रूप से हमारे लोग दक्ष हैं और जो ट्रेनिंग हम लगातार अपग्रेड करते जा रहे हैं और समय समय पर आपको भी अवगत कराया जा रहा है। सर, जिस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कभी कभी भीड़ की तादाद जितना आपको कहीं अधिक हो जाती है, फिर वहाँ समस्या होती है क्राउड मैनेजमेंट की? कई लोग ऐसा है कि हाँ इसमें ज़्यादा समस्या आती है क्राउड मैनेजमेंट को लेकर। देखिए, आप तो खुद अयोध्या जी के रहने वाले हैं, अयोध्या जी में जो अवस्थापना सुविधाओं में विस्तार हुआ है इसको आप लोगों ने खुद देखा है, पहले किस तरह की सुविधाएं थी और अब आज के रेट में किस तरह की सुविधाएं हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई क्राउड आएगा तो उसको संभालने के लिए यहाँ का प्रशासन सक्षम नहीं है। व्यापक तैयारियां की गई हैं और किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू सर। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।